संशय था। बंगाल जाते जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा, ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहाँ जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है। पश्चिम बंगाल की तुलना में उड़ीसा में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते भी वो पूंछ पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहैबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहैबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर के ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। These are breaking inputs coming in. Prime Minister Modi, after having done the survey of losses in the state of Odisha, remember earlier today an aerial survey of the losses in the state of West Bengal, with the Prime Minister having announced relief, initial package of relief for West Bengal. He's just announced the package of relief for Odisha as well. 500 crores initial package of relief that's come in for Odisha is what has just been announced by Prime Minister Modi. Remember, Odisha being the second state which has been impacted by Cyclone Amphan, massive losses that have come more for the state of West Bengal. While for West Bengal, there has been a 1,000 crore emergency fund for initial use in Odisha. This is just an announcement come in a short while back. 500 crore emergency fund for initial use that has been announced for the state of Odisha.